जी ऑनलाइन बच्चे जरा बताइएगा, आपको स्क्रीन आवाज वीडियो सब क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा प्लीज मुझे चैट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, आपको आवाज स्क्रीन वीडियो वगैरह सब क्लियर है? अच्छा जी, एक्सक्यूज मी, ऑडिटर्स जागे, जागो ऑडिटर, आप कौन है ऑडिटर? और आप लोगों में एक चीज होनी चाहिए क्या, जागो नहीं, ये होना, अलर्ट रहना, यस, शक करने की आदत होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, नहीं, सोए नहीं, जागे जागे, एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, खवातीनों हजरात, देखें अब हम जो है फाइनली जो है ना वो टॉपिक स्टार्ट करें। देखें एक्सक्यूज मी, मैंने आपको लास्ट जो हमारी क्लास गुजरी थी, उस लास्ट हमारी क्लास में हमने कुछ इंट्रोडक्शन और ये वो जो चीजें वी हैड डिस्कस्ड, यस और नो? और आपको पता, मैं बस छोटा सा एक रिकैप देता चलूं, एक्सक्यूज मी, क्या ऑडिट एक सरप्राइज एक्टिविटी है? द आंसर इज नो। ऑडिट क्या है आपके पास? एक प्रॉपरली प्लान्ड और इंगेज एक्टिविटी होती है ना। तो अब सिस्टम क्या है जी सरकारी से, यहाँ पे सिस्टम ये है कि ऑडिटर सबसे पहले अपॉइंट होता है जी। ऑडिटर सबसे पहले क्या हो रहा है जी? अपॉइंट हो रहा है। अपॉइंट होने के बाद ऑडिटर, अपॉइंट होने के बाद ऑडिट इंगेजमेंट लेटर को साइन करता है। और ऑडिट इंगेजमेंट लेटर का मतलब ये होता है कि आप एक एग्रीमेंट बना रहे हो। क्या बना रहे हो बेटा? एक एग्रीमेंट बना रहे हो। किसके साथ एग्रीमेंट बना रहे हो? क्लाइंट और फर्म के दरमियान, यस और नो? एक रिटर्न जो है वो आपके पास क्या बनता है? एक एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है आपके पास? प्लानिंग फेज होती है, प्लानिंग फेज, टीओसी, और फिर क्या होता है? सब्सटेंटिव। और फिर इन सब के बाद ये तमाम चीजें आपने करनी होती है रिव्यू, और रिव्यू के बाद आपको देनी होती है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में होता है ओपिनियन। क्या होता है? दो तरह के ओपिनियन थे, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। और ओपिनियन आपके पास होता है अनमोडिफाइड एंड मॉडिफाइड। अनमोडिफाइड का मतलब क्या होता है? सब कुछ ठीक है, ट्रू एंड फेयर। मॉडिफाइड मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। इसमें होता है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है आपके पास? एक्स सिवाय इस चीज के तमाम चीजें सही हैं, पूरी एफ एस सही है सिवाय एक दो चीजों के। एडवर्स में ऑडिटर क्या कंक्लूड करता है? कि पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही सही नहीं है, यस और नो? पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही सही नहीं है। और जो आपका डिस्क्लेमर ओपिनियन होता है, व्हाट इज दैट डिस्क्लेमर ओपिनियन भाई? डिस्क्लेमर ओपिनियन में ऑडिटर क्या करता है? कोई ओपिनियन नहीं, व्हाई? एविडेंस नहीं। अब जरा ये देखिए, एक्सक्यूज मी, ये आपकी किताब है और आपको ऑडिट साइकिल की फेजेस भी पता है। और इसमें आपके पास ये देखिए, आपके पास ये चैप्टर है ना, 15 चैप्टर आपके पास मैंने ओपन की हुई है। ये देखिए, हम इस वक्त फॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको जरा पहले स्क्रीन से बता दूं, सुने, एक्सक्यूज मी, ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये प्लानिंग फेज है। कौन सा है ये? एविडेंस और सैम्पलिंग, आप समझ ले एक तरह से इंट्रो है कि एविडेंस क्या है, सैम्पलिंग क्या है। ये दो चैप्टर आपके कंट्रोल्स के हैं, किसके? और चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 पूरा का पूरा क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, जो एक्चुअल ऑडिट आपके पास कहलाता है। पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही डिस्कस हो रही होती है। लेकिन इस वक्त अच्छा, हमारा जो पढ़ने का अंदाज है, देखो ऑडिट में पता है क्या है, यह सबसे पहले मैं अकाउंटिंग में आ जाऊं। सपोज अगर आज हमने IAS 16 पढ़ लिया, और नेक्स्ट क्लास में अगर मैं IAS 36 पढ़ा रहा हूं, या फॉर एग्जाम्पल को IAS 38, तो उससे इतना कनेक्शन नहीं होता, ये सुन लो। जबकि इसमें ना बहुत सारी चीजों से कनेक्टिविटी है, तो आपको ये चीजें साथ साथ देनी। ऐसा मुमकिन है कि अभी मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 3, आधा होगा बीच में छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद ये वाली चीज पढ़ना जरूरी है, फिर दोबारा उस पर आते हैं। क्योंकि प्लानिंग करते वक्त एक ऑडिटर को पता होना चाहिए कि टीओसी क्या है और सब्सटेंटिव क्या है, और इसको पता होना चाहिए। अभी इस वक्त जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3। अच्छा, आप बच्चों को ये भी पता है कि वर्किंग पेपर्स क्या है, आप बच्चों को ये भी पता है कि टीओसी सब्सटेंटिव क्या है। तो अगर टॉपिक में मैं कोई इजी सा वे आउट निकालूंगा, तो हो सकता है कि पहले हम पूरा चैप्टर 3 कवर कर ले, फिर अगले चैप्टर पे जाता है कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सुनो। अच्छा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। खवातीनों हजरात, आज अपने रजिस्टर पे और एक हेडिंग लिखेगा चैप्टर नंबर 3, प्लानिंग एंड व्हाट? रिस्क असेसमेंट। सबसे पहला मेरा पॉइंट आप बच्चों को, आप स्टूडेंट्स इस वक्त कौन सी स्टेज में हो? प्लानिंग स्टेज में। कौन सी स्टेज में?
और प्लानिंग के स्टेज में आपके बहुत सारे काम है। जी बेटा, मैंने क्या बोला, प्लानिंग स्टेज में आपके बहुत सारे काम है, उनमें से एक काम जो है वो आपका क्या है, रिस्क असेस करना। क्या असेस करना? रिस्क असेस करना। देखिए बच्चों, आप इस वक्त हो कौन सी फेज में हो जी? प्लानिंग फेज में, जिसमें आप ऑडिट कर नहीं रहे, ऑडिट करने का एक्चुअली क्या बना रहे, प्लान। और इसमें आपके पास वन ऑफ द टास्क, बेटा इसमें वन ऑफ द टास्क वो है आपके पास क्या, रिस्क असेसमेंट। वन ऑफ द टास्क जो है वो क्या बेटा आपके पास, रिस्क असेसमेंट, राइट। अब आपके पास वन ऑफ द टास्क इज द रिस्क असेसमेंट। हमारी क्लास 4:45 तक है ना, मैं टाइम देख रहा हूँ ताकि अकॉर्डिंगली मैं वो वाला टॉपिक स्टार्ट करूँ। चलो खैर, एनीवेज देखिए, वन ऑफ द टास्क जो है वो आपके पास क्या बच्चों, रिस्क असेसमेंट। अब आपके पास ऐसे स्केच बनाइएगा जैसे मैं लिख रहा हूं, ये लिखा है मैंने रिस्क। रिस्क दो एरियाज में स्प्लिट होगा, एक है आपके पास ये कौन सा रिस्क, बिजनेस रिस्क, ठीक है, BR, और दूसरा है आपके पास ऑडिट रिस्क। दूसरा आपके पास क्या है जी, ऑडिट रिस्क, AR। ये ऑडिट रिस्क भी दो हिस्सों में टूटता है, ये स्केच जरा सबसे पहला बनाएंगे। ऑडिट रिस्क भी दो एरियाज में ब्रेक हो रहा है, एक है ROMM, एब्रीविएशन को छोड़ दें, वैसे एनी गेस, सॉरी एनी प्रोफेशनल जजमेंट, व्हाट इज ROMM, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, MM मटीरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। खैर अभी एब्रीविएशन को छोड़ेंगे और हम लोग यू बात करेंगे, IR, CR, और ये हो गया DR। सबसे पहले ना इन चीजों का आप एक स्केच बना लें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसकी वेटेज भी देखी हुई है और मैंने आपको बताया भी कि व्हाट इज दिस, ठीक है। IR and CR, ROMM के अंदर क्या लिखा हुआ है, IR and CR, और फिर वो आपके पास DR है। सबसे पहले तो आप बच्चे इसका एक नाम लिख लें कि व्हाट इज दिस, ये कौन लड़ रहा है, चलिए इज इट डन, एक्सक्यूज मी मेरा सबसे पहला पॉइंट, मुझे एक बात बताएं, अभी हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस रिस्क। क्या पढ़ने जा रहे हैं, बिजनेस रिस्क। इधर आइएगा खवातीन, छोटा सा टॉपिक है, बिजनेस रिस्क फौरन खत्म हो जाता है क्योंकि इसकी वेटेज थोड़ी सी कम है, असल चीज ऑडिट रिस्क है। सबसे पहले मुझे ये बात बताओ, इधर ये लिखा है रिस्क, रिस्क का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिस्क। रिस्क का मतलब होता है क्या गलत हो सकता है, वॉट कैन गो रॉन्ग, जैसा आपने बोला खतरा, सही है बेटा। रिस्क का मतलब होता है वॉट कैन गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है। अभी एक टर्म मैंने आपको बताई है और उस टर्म का नाम क्या बताइएगा, बिजनेस रिस्क। आपको पेपर में सवाल आता है, आ भी सकता है, माजी में आया हुआ भी हम करेंगे भी। एक मैं आपको एक मिसाल दूं, अच्छा इधर देखें, एक काम करते हैं, पढ़ने से पहले ना एग्जाम्पल से ना माइंड सेट कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी अच्छा समझ में आ जाएगा। इधर सुनना, ये क्या लिखा है, इसको बोलेंगे कारोबार, ये क्या लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, दो अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, मेरे पास बहुत ज्यादा तादाद में इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जरूरत से ज्यादा है, बिजनेस रिस्क है। बिजनेस पता है, आप मुझे बोलोगे सर भाईजान आपने इतनी ज्यादा इन्वेंट्री रखी है, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएंगे, इन्वेंट्री चोरी हो जाएगी, हाँ है ना। ये तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम, IAS की बात नहीं कर रहे, किसकी बात नहीं कर रहे, IAS की। आपने मुझे क्या बोला भाई, इतना माल पड़ा हुआ खराब हो गया, तो बारिश का मौसम है फॉर एग्जाम्पल, ये खराब हो जाएगा माल, ये जो तुम बात बोल रहे हो ना, ये बिजनेस रिस्क है। क्या है, बिजनेस रिस्क से एक कदम आगे बढ़ो IAS को उठाते हुए। आपने बोला सर हारिस, जब तुम्हारा माल खराब हो जाएगा तो हो सकता है तुम IS2 भी गलत अप्लाई कर दो, ये क्या है, ऑडिट रिस्क। ये क्या है, ये ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क का मतलब
व्हाट कैन गो रॉन्ग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दो अलग अलग बातें, एक है एक्टिविटी और एक उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मिसाल, और ये मिसाल हम आगे चल के लिखेंगे भी। मशीन सही नहीं चल रही है, प्रोडक्शन मशीन है, क्या है? प्रोडक्शन मशीन सही नहीं चल रही है, हैंग हो जाती है बार बार। व्हाट इज द बिजनेस रिस्क? गुड सर, ऑर्डर्स 2 दिन के बजाय 5 दिन ले लेगी, मशीन हैंग हो रही है, मटेरियल भी वेस्ट हो सकता है, हाँ या ना? ये कौन सा रिस्क है? ऑडिट रिस्क क्या होगा? ऑडिट रिस्क का मतलब पता है क्या? सिंपल लैंग्वेज में ऑडिट रिस्क का मतलब ये है, आईएएस क्या कहता है और तुमने क्या किया। आप बोलोगे सर मशीन सही नहीं चल रही, पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। ये कौन सा रिस्क है? बिजनेस रिस्क है। पुअर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, कस्टमर नाराज हो जाएगा, बस। ये कौन सा रिस्क है? ऑडिट रिस्क पता है क्या है? आप दिल में सोचोगे यार इसकी मशीन सही नहीं चल रही, इसको IS 36 के मुताबिक इंपेयरमेंट टेस्ट करना चाहिए, शायद इंपेयरमेंट टेस्ट ना किया हो, शायद इंपेयरमेंट टेस्ट। ये कौन सा रिस्क है? ये ऑडिट रिस्क। आई बात समझ में? बिजनेस रिस्क का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं। व्हेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस रिस्क का मतलब मैं एरो मार के लिख रहा हूं, नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉट एट ऑल। बेटा बिजनेस रिस्क में मैं एक लफ्ज लिखूंगा, थिंक लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, थिंक लाइक ओनर। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है व्हाट कैन गो रॉन्ग, व्हाट कैन गो रॉन्ग इन द बिजनेस एक्टिविटी। एंड एंटिटी मे नॉट अचीव इट्स कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव्स। हो सकता है भाई आपकी जो कंपनी है वो कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव्स अचीव ना करे, हाँ या ना? किसकी वजह से भाई? बिजनेस को प्यार से हम लोग बोलेंगे ना बी आर। अच्छा देखो, अब जब भी कभी आपको बी आर के बारे में सोचना है तो आप ना 3 चीजें सोच लिया करें। एक है फाइनेंशियल रिस्क, क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, फाइनेंशियल रिस्क, पैसे नहीं है, फाइनेंशियल रिस्क। दूसरा है आपके पास ऑपरेशनल रिस्क, और तीसरा है आपके पास नॉन कंप्लायंस का रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है सर? व्हाट कैन गो रॉन्ग इन द कारोबार, व्हाट कैन गो रॉन्ग इन द बिजनेस, और आपकी जो एंटिटी है वो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, सही, एंटिटी में नॉट अचीव इट्स कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, राइट? दिस इज कॉल्ड व्हाट? बिजनेस रिस्क। और बिजनेस रिस्क में आपने 3 एग्जाम्पल्स के बारे में सोचना है। पहला क्या है? फाइनेंशियल, दूसरा क्या है, और तीसरा नॉन कंप्लायंस। ठीक है, अब इसके ऊपर फर्दर बात करते हैं। देखिए, इफ आई कैन टॉक अबाउट नंबर वन, अगर मैं आपको नंबर वन के बारे में बात करूं, फाइनेंशियल रिस्क। कौन सा रिस्क बेटा? क्या है फाइनेंशियल रिस्क? पैसे नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क। एग्जाम्पल बेटा बताइएगा, सिंपल, आपके पास कैश की क्या है बेटा? शॉर्टेज है, फाइनेंशियल रिस्क है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया मार्केट में, क्या बढ़ गया? तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी, क्या कम हो जाएगी? वही फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नजर नहीं आ रहे, फाइनेंशियल मसल्स अच्छे नहीं है। सर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया। एक और मिसाल, एसेट कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है, और पैसे है नहीं हमारे पास। अच्छा सर, ये भी हो सकता है कि पुअर एक्सचेंज रेट हो गया, क्या हो गया? मतलब एडवर्स एक्सचेंज रेट कर लो, मतलब क्या? IAS नहीं, देखो प्लीज अभी IAS 21 मत बोलिएगा, IAS 21 आप कब कहेंगे? जब हम ऑडिट रिस्क पढ़ेंगे। इधर पता है क्या है? इधर आप बोलोगे यार पहले डॉलर इतने का था, 250 का, अब 280 का हो गया, 300 का हो गया, यार मेरी जेब से पैसा। बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कदम नहीं रखना। जहां आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कदम रखा, दैट वुड बिकम एन ऑडिट रिस्क, विच वी आर नॉट डिस्कसिंग इट राइट नाउ। तो
तो सर फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या, सिंपली कैश फ्लो की प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम है? कैश फ्लो की, कैश शॉर्टेज और पुअर कैश फ्लो वगैरह वगैरह। सेकंड, अच्छा ये कोई इधर सुनिएगा, यहाँ पर आप ईटीसी लिख के खत्म कर सकते हो क्योंकि इसकी कोई लिस्ट नहीं है और ये टॉपिक सिनेरियो बेस्ड वाला टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? यू विल बी हैविंग अ केस स्टडी, आपको उस केस में से चीजें निकालनी है, ठीक है? जैसे मैं एक, बल्कि छोड़े वो एग्जाम्पल दूंगा तो वो सवाल सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पर आइएगा जी बेटा, ये कौन सा रिस्क है? व्हाट इज ऑपरेशनल रिस्क? ऑपरेशनल रिस्क का मतलब होता है कि मैं अपनी एक्टिविटी को ऑपरेट नहीं कर पा रहा। किसको ऑपरेट नहीं कर पा रहा? मिसाल, क्यों नहीं ऑपरेट कर पा रहा? मशीन खराब हो गई है सर, वो कोविड था, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना वो बंद हो गई है, माल आया नहीं, रास्ते में काम ऑपरेट नहीं हो पा रहा। अच्छा हमारा ई कॉमर्स का काम है, इंटरनेट बंद पड़ा हुआ है, ऑपरेशनल रिस्क है, हाँ या ना? सर हमारा लेबर का काम है लेकिन लेबर जो है वो स्ट्राइक पे बैठ गई है, लेबर स्ट्राइक पे हो सकती है, लेबर यूनियन। अच्छा सर मशीन खराब है, किसी भी तरीके से आप अपना काम धंधा ऑपरेट नहीं कर सकते। अच्छा और वो सुना टर्म, एक्सक्यूज मी, क्यूटी में पढ़ा होगा ना सर, लिमिटिंग फैक्टर, लीनियर प्रोग्रामिंग जो आप करते थे, लीनियर प्रोग्रामिंग याद है? कभी पढ़ी थी ना? अरे वो चलो हमें नहीं चाहिए लीनियर प्रोग्रामिंग, मुझे छोटी सी बात ही बताएं, लिमिटिंग फैक्टर तो याद है ना, कोई ऐसी चीज जो हमारे पास शॉर्ट है, पैसों के अलावा की बात कर रहा हूँ, पैसा तो फाइनेंशियल में जाएगा, तो ये कौन सा रिस्क है? यानी कि इन शॉर्ट वर्ड्स मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आपके पास रिसोर्सेज है ना, इसकी प्रॉब्लम्स है। किसकी प्रॉब्लम्स है भाई? रिसोर्सेज की आपके पास प्रॉब्लम्स है, ठीक है? आप कह लो भाई मशीन खराब है, अच्छा एंड बिजनेस में नॉट ऑपरेट, अब्दुल कयूम क्यों नहीं खुल रही एलसी? यू नो एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए काम आता है। मगर एलसी क्यों नहीं खुल रही? सपोज अगर आपके पास पैसे नहीं है, ये वजह तो फाइनेंशियल है, अगर बैंकिंग के कुछ इश्यूज है ना यार, उस कंट्री से माल आ रहा जा रहा है आजकल, वो है पैसे तो पड़े हम लेके घूम रहे हैं, तो फिर वो ऑपरेशनल है। अच्छा जी समझ में आ गया, क्या नाम है? अब्दुल कयूम। अच्छा मशीन का प्रॉब्लम है आपके पास जो है ना, वो लेबर किस पे भाई? स्ट्राइक पे है। आपके पास मटेरियल शॉर्ट है, मशीन नॉट वर्किंग वेल, लेबर स्ट्राइक पर है, आपके पास इंटरनेट इश्यू है, एक्सेट्रा। तीसरा क्या है जी ख्वातीनों हजरात? नॉन कंप्लायंस का रिस्क। प्लीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर मत पहुंचिएगा। नॉन फाइनेंशियल का मतलब ये होता है, यस अब्दुल कयूम आपने सही निकाला, क्लासिफाइड सिचुएशन को देखते हुए। जी नॉन कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि देर इज अ रिस्क, क्या बोला मैंने? देर इज अ रिस्क कि हमारी कंपनी कानून फॉलो नहीं कर रही। क्या फॉलो नहीं कर रही है? क्या होगा? पेनल्टी लगेगी, गुडविल खराब होगी, पेनल्टी लगेगी तो प्रॉफिट कम होंगे, शेयर होल्डर इन्वेस्ट नहीं करेगा, खत्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर मत जाना कि IAS 37 के मुताबिक प्रोविजन बुक होना चाहिए, नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पेन तो अभी उठाया ही नहीं है, पेन डबल एंट्री बनाने के लिए आपने सिंपल बिजनेस एक्टिविटी के बारे में सोचना है, इसके बारे में। तो नॉन कंप्लायंस रिस्क का मतलब यह है कि रिस्क दैट एंटिटी में नॉट बी एबल टू कंप्लाई विद लॉज एंड रेगुलेशंस। इसकी वजह से भाई आपके पास क्या आ सकते हैं बताइएगा? पेनल्टी आ सकती है, हाँ गुडविल खराब हो जाएगी वगैरह वगैरह, गवर्नमेंट की हट जाएगी तो गवर्नमेंट लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है, चला ले कारोबार। यस सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस टू ऑपरेट,
बिजनेस इसमें सिर्फ इतना ही, क्योंकि ये है इतनी सी चीज। अब जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, आप इसको ये समझ लें, ये ऑडिट की बैकबोन टॉपिक है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। दो चीजें बैकबोन है, एक ये जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, और दूसरा ऑडिट प्रोसीजर्स चैप्टर नंबर 4 में एविडेंस। ठीक है, लेकिन एविडेंस से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एविडेंस से भी पहले ये इंपॉर्टेंट है जो अभी हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सही है, उसको बहुत ज्यादा गौर से समझिएगा, और इसमें से आधे से ज्यादा तो सब आपको आता ही है पहले से। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये चीज है, क्योंकि ऑडिटर ने काम ही इसी चीज के ऊपर करना है। द सेंट्रल टॉपिक ऑफ द कोर्स, द सेंट्रल टॉपिक ऑफ द ऑडिट। सही है, अब एडी लिखिएगा अपने पास खवातीनों हजरात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स असर्शंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या? असर्शंस। सबसे पहला पॉइंट, असर्शंस क्या है? देखें, एक लफ्ज है असर्शन, ठीक है, ये जो लफ्ज अजर्शन है, ये लफ्ज जो अजर्शन है, ये डेराइव हुआ हुआ है लफ्ज फ्रॉम अजर्ट। कहां से डेराइव हुआ हुआ है लफ्ज? अजर्ट से। ये आपके पास डेराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड अजर्ट। आप समझ, इधर अजर्शन लफ्ज कहां से निकला है? अजर्ट से। और अजर्ट का मतलब होता है टू डिक्लेयर समथिंग। क्या बोला मैंने? टू डिक्लेयर समथिंग, किसी चीज को डिक्लेयर करना। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, देखें, आपको, आपने मुझसे पूछा, यू हैव आस्क्ड मी, अज्यूम कर रहा हूं, वैसे सुबह क्लास नहीं है, अज्यूम कर रहा हूं, आपने मुझसे पूछा सर क्लास कब है, या चल चलो आपने सर आज क्लास कौन से रूम में, हम बाहर खड़े हैं, मैंने बोला क्लास है रूम नंबर जी, ये B1 में। सही, गौर से सुनना, और आपको मैंने अल्फाज बोले, तो आप दूसरों को बोलोगे सर हारिस हनीफ इज अजर्टिंग दैट क्लास इज इन रूम B1। केस टू, मैंने आपको जबानी कलामी कुछ नहीं कहा, मैंने आपको लिख के दिया पर्ची पर, मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट पे लिख कर दिया, ये लो तुमने पढ़ा क्लास रूम नंबर B1 में, तो आप बोलोगे ये देखो ये हारिस की अजर्शन है, हारिस ने इसको क्या किया? डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करना, क्लेम करना, टू डिक्लेयर समथिंग, टू क्लेम समथिंग। क्लेम समथिंग का मतलब ये होता है कि हाँ यार मैं ये क्लेम कर रहा हूं, जैसे हम बाहर खड़े हुए और मैंने आपको बोला यार क्लास है ना रूम नंबर B1 TC में है, इसका मतलब मैं इस बात का क्या कर रहा हूं? दावा कर रहा हूं, क्लेम कर रहा हूं, हाँ या ना? इसको बोलेंगे अजर्शन। क्या बोलेंगे? अब ये तो होगी नॉर्मल अंग्रेजी, अजर्शन एक नॉर्मल सा लफ्ज है। यार आपने एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी एक पैराग्राफ की, मैं बोलूंगा मिस्टर ए की अजर्शन है, मिस्टर ए की क्या है? अजर्शन है। कोई किसी चीज को इन्फॉर्म कर रहे, बता रहे, डिक्लेयर कर रहे। अब जो असल काम की बात है वो ये है, नोट करके मैं लिख रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फिर से रिपीट, क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डायरेक्टर्स कुछ अजर्शंस इंक्लूड करते हैं। क्या इंक्लूड करते हैं? आप सुनो वो क्या अजर्शन, सुने, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लफ्ज क्या बोला मैंने है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप सुने, देखो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डायरेक्टर्स कुछ इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? इन्फॉर्म, कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ बात का मतलब क्रिएट करना चाहते हैं, उसको कहते हैं असर्शन। मैं आपको एक मिसाल दूं, अभी कॉपी मत करना, एग्जांपल सुनिएगा पहले। बड़ा हुआ ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है बैलेंस शीट में, आगे लिखा 70 मिलियन शिलियन, जो लगाने लगा लेना, कितने रुपए लिखे? 70। बस इसके अलावा डायरेक्टर ने कुछ भी नहीं बोला, डायरेक्टर ने, आपने बोला सर भाई बैलेंस शीट, मैंने कहा ये लो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आगे क्या लिखा हुआ है? ₹70। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस 70? कॉस्ट वैल्यू है, कॉस्ट वैल्यू है, इंपेयरमेंट है ये।
सरी बुक वैल्यू है क्या ये? ध्यान से सुनना, क्या डायरेक्टर ने आपको अल्फाज से बोला यार ये ले बुक वैल्यू? नहीं, अंडरस्टूड है, फिगर्स बोलती है, फिगर्स बात का मतलब थ्रो करती है। आपने ये देखा, आपने बोला यार ये तो नेट बुक वैल्यू है, क्या है? मैंने तो नहीं कहा जबानी कलामी, आप खुद इसको समझ बैठे। ये सुनो, यानी कि जो चीजों की इंटरप्रिटेशन है, मीनिंग है। एक और मिसाल, 70 ही रहने देते, इसको 100 कर लो। ये लो, ये शेयर कैपिटल है, क्या है? मैंने देखा हो, मैं समझ गया पार वैल्यू है, कहीं लिखा हुआ नहीं है पार वैल्यू, लेकिन ये इम्प्लाइड मीनिंग आ रही है। इम्प्लाइड क्या आ रही है? यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिटर जब पढ़ता है और अपने दिमाग में जो मीनिंग क्रिएट कर रहा है, या फिर जो डायरेक्टर्स तुम्हें मीनिंग सेंड कर रहे हैं, वो अजर्शंस है। वो क्या है? अजर्शंस। सर अजर्शंस क्या है? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, आर क्लेमिंग समथिंग, आर व्हाट? और ये जो क्लेम है ना, ये जो क्लेम है ना, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। अच्छा, व्हाट इज इम्प्लाइड? व्हाट इज इम्प्लाइड? जो चीज अंडरस्टूड है, जो चीज क्या है भाई? अंडरस्टूड है। मिसाल इधर, अभी 4:45 बज रहे हैं, मिसाल अभी बज नहीं रहे, अभी तो 4 बज रहे हैं, सर 45 मिनट्स बाद के, है ना? फॉर एग्जाम्पल 4:45, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, आई थिंक इट्स एन इम्प्लाइड थिंग कि क्लास इज ओवर, यस और नो? इम्प्लाइड। एक्सप्रेस क्या होता है? जो आप खुल के बोल रहे हो, मैंने कहा चलो आज जल्दी ऑफ कर देते, व्हाट इज दिस? एक्सप्रेस। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एक्सप्रेस चीज है ना, वो आपको मिलती है नोट्स में, कहाँ मिलती है? और इम्प्लाइड चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? फिगर्स में, ठीक है ना? सर व्हाट इज अजर्शन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए से कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, तो वो जो मैसेज है उसको क्या बोलेंगे? अजर्शन। अब आप कौन है, क्या चेक करते हो? थोड़ा और गहरा करते हैं, आप ऑडिटर हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अजर्शंस चेक करो। क्या चेक करो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अजर्शंस। सर व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अजर्शंस? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अजर्शंस ये है, मैनेजमेंट का क्लेम या बीओडी का क्लेम कहाँ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो क्लेम इम्प्लाइड भी हो सकता है, और ऑडिटर कंसीडर्स, गौर से सुनो, ऑडिटर व्हाट? मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द अजर्शंस, यानी कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसकी अजर्शंस चेक कर रहा है। क्या चेक कर रहा है? आइएगा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जी, फिगर का जो मतलब होता है वो इम्प्लाइड है। आपको छोटी सी मिसाल दूं, इन्वेंटरी के आगे लिखा 50, बस आप क्या अज्यूम कर रहे हो? लोअर ऑफ कॉस्ट है ना, अभी कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। अब इन्वेंटरी के डिस्क्रिप्शन लिखी है कि माल खराब हो गया, ये हो गया, हमारा ये प्लान है फ्यूचर के, सब एक्सप्रेस। अच्छा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या लिखा है भाई? Assertions. क्या ही है सर? दीज आर रिप्रेजेंटेशंस, दीज आर रिप्रेजेंटेशंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। बेटा आइदर क्या बताया गया? आइदर एक्सप्रेस और, बेटा दीज आर अजर्शंस, सॉरी रिप्रेजेंटेशंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यस और नो? एंड ऑडिटर कंसीडर्स दोज अजर्शंस जी, मुझे बात बताओ, ऑडिटर वो अजर्शन को कंसीडर क्यों करेगा?
अभी जो आप लोगों ने बोला था क्या, ओपिनियन तो बहुत एंड में, ओपिनियन में कहाँ जाता है, मिस्टेक 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 नहीं, मिस्टेटमेंट। एन ऑडिटर कंसीडर्स मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस, ठीक है, यानी कि आप कंसीडर करते हो दोज असर्शंस फॉर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। एन ऑडिटर कंसीडर्स, यू लिख लो, मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स इन दोज अजर्शंस, ये लो। एक्सक्यूज मी, यू लिख लो, एन ऑडिटर कंसीडर्स मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स इन दोज अजर्शंस। अब आपके लिए इजी लैंग्वेज में अजर्शन को याद करने का आसान तरीका, CA CA, कवर टी, ऐसे निमोनिक खुद ही बनाते हैं ना याद रखने के लिए। व्हाट इज अजर्शन बताइएगा, CA CA कवर टी, ये अजर्शन है। अब पहला सी इसका मतलब क्या है, सुने, आप कौन है? और आपने मुझे बोला सर कोई रिकॉर्ड आप मांगो, ट्रायल बैलेंस मांगो, क्या बोलो, इधर इधर देखिएगा, एक्सक्यूज मी, कॉपी बाद में, क्या मांगा आपने भाई? मैंने कहा ये लो भाई ट्रायल बैलेंस, इधर गौर से सुनना, मैंने कहा ये लो ट्रायल बैलेंस इनकम्प्लीट है, क्या मैं ये बोलूंगा? मैं ये तो नहीं बोलूंगा इनकम्प्लीट है, चेक किसको करना है? आपने बोला सर ट्रायल बैलेंस दे, क्या दे, मैं चुप, कुछ बोल ही नहीं रहा, ये लो ट्रायल बैलेंस, अंडर स्टूड है। जब मैंने कहा ना ये ले पकड़ ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब अंदर की तमाम एंट्रीज कंप्लीट है, क्या है, कंप्लीट है। मैंने अज्यूम करो, मैंने आपको असाइनमेंट पे 3 सवाल दिए, अज्यूम मैं आया, मैंने बोला असाइनमेंट दीजिए, ये चुप खामोश कुछ नहीं कह रहे, सर ये रहा असाइनमेंट, तो अंडरस्टूड है, मैं क्या समझूंगा, कंप्लीट है, चेक मुझे करना है ना कंप्लीट है कि नहीं है। हा? तो सी का मतलब है डायरेक्टर्स कहना चाहते हैं कि जो कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा है कंप्लीट है, कोई डंडी नहीं मारी, नथिंग ओमिटेड, नथिंग व्हाट, ओमिट कुछ नहीं किया है, डंडी नहीं मारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। डायरेक्टर्स का मानना ये है, सुने, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो आप ये अज्यूम करोगे यार ये तो बोल रहा है कंप्लीट है, हालांकि वो अल्फाज से नहीं बोल रहा, वो क्या है अंडरस्टूड है। तो सी का मतलब क्या है बेटा, कंप्लीटनेस या कंप्लीट, इसका मतलब है फिगर्स एंड नोट्स, फिगर्स एंड नोट्स आर वॉट कंप्लीट, ए फॉर एप्पल, नहीं, एप्पल नहीं, देखो मैंने यहां तक यहां पे सुन लिया, इसको स्केप्टिसिज्म कहते हैं, एलोकेशन, ए फॉर वॉट एलोकेशन, सुने सुने इधर बेटा, ए फॉर वॉट एलोकेशन, नाउ लिसन, एलोकेशन लिखो, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो किसी वजह से, बल्कि छोड़ो लिख ही लेते हैं, एलोकेशन का मतलब क्या होता है, सुने इधर अल्फाज पे गौर, नेट बुक वैल्यू पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड्स की नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। सर ये क्या बोल दिया, क्या बोला मैंने, नेटबुक वैल्यू पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड्स की, मिसाल नेटबुक वैल्यू है मशीन की, मिसाल लेते हैं 100 रुपए की ली थी, 20 रुपए का डिप्रिसिएशन है, हाँ या ना, 5 रुपए की इम्पेयरमेंट है, कितने हो गए 25, तो मुझे 100 में से 25 माइनस करने हैं 75 पे पहुंचने के लिए, ये 25 रुपए की जो एडजस्टमेंट्स है ना, इसको क्या बोलेंगे, एलोकेशन। आप लोगों ने वो पढ़ा है, मैं आपको IAS की मिसाल भी देता हूँ, मिसाल से वो आपने पढ़ा है IAS 36, क्या है इंपेयरमेंट टेस्ट, याद आ रहा है कुछ, इंपेयरमेंट टेस्ट में आपने वो पढ़ा था CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट्स, ये नहीं ना सिलेबस में, हाँ सिलेबस निकल गया है, ऐसी फर्जी फिगर ले लो समझा देता हूँ, 2 मिनट लगे। कैश जनरेटिंग यूनिट का मतलब होता है एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा यूनिट
जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एसेट्स हैं और सब रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज फॉर अकॉर्डिंग टू यू फॉर यू पीपल द पेट्रोल पंप। क्या बोले मैंने? फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेवल कर रहे हो, आपको भूख लगी, आपने पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोक ली, पेट्रोल नहीं पियोगे, वहां पे टक शॉप है, यस और नो? केस टू, वही वही एक यूनिट है ये ना, ये यूनिट इधर टक शॉप है। हम बोलते हैं पेट्रोल पंप है, आपका टायर पंचर हो गया, यहाँ पे पंचर लगवा लिया, कार यहाँ पे वॉश हो गई, यहाँ पर ये पेट्रोल, यहाँ पर लॉट ऑफ थिंग्स, ये पूरा का पूरा क्या है, ये यूनिट है। इस एक यूनिट है अंदर अलग अलग एसेट्स, इंपेयर हो गया यूनिट, इंपेयर हो गया। गौर से, मैंने ये नहीं कहा कि यार ये टक शॉप नहीं चली, मैंने कहा ये पेट्रोल पंप सही चल नहीं रहा, पेट्रोल पंप सही, तो मैंने इसकी वैल्यू वैल्यू निकाली, वो इंपेयर हो गया, मान लो इंपेयर हो गया, ₹30 से इंपेयर हो गया। अब इस इंपेयरमेंट को कितने एसेट्स हैं, अज्यूम करते हैं अंदर चार एसेट्स हैं, कितने एसेट्स हैं? अब इस इंपेयरमेंट को मुझे इन चारों में एलोकेट करना पड़ेगा, चारों एसेट्स की अलहदा अलहदा से वो कॉस्ट होगी, एलोकेट करना पड़ेगा, कलेक्टिवली बुक वैल्यू होगी, हाँ है ना? अब ऐसे में IAS 36 के ना ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स मतलब ये कि सीरियल। अगर तुझे पता है मैनेजमेंट कि एक खास एसेट की वजह से ये सब हुआ है, तो सबसे पहले इंपेयरमेंट कैसा उस एसेट पर जाएगा, सेकंड नंबर पे गुडविल पर जाता है, फिर बाकी एसेट्स पे तकसीम होता है। तुम कर क्या, अच्छा ये हो गया IAS, मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया, ये आप पता क्या कर रहे हो, ये आप इंपेयरमेंट को एलोकेशन एलोकेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एलोकेशन। IAS का एक वो है क्राइटेरिया है कि सबसे पहले आपने पर्टिकुलर एसेट, जिसको पता है कि यार ये गंदी मछली है जिसकी वजह से एसेट में खराबी हुई है, तो पहले उसको एलोकेट करोगे, इसके बाद गुडविल को, उसके बाद, तो ये जो एलोकेशन है, अब आप ऑडिटर हो, आके चेक करोगे यार एलोकेशन सही हुई है या नहीं हुई, ठीक है? एलोकेशन का मतलब होता है नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। नेसेसरी एडजस्टमेंट्स मेड टू रीच एट व्हाट, क्या लिखा हुआ है? चलो नेट कर ले, वो एडजस्टमेंट हो गई तो नेट हो गया ना, इज इट डन? बात समझ में आई क्या चीज है? एलोकेशन। अच्छा मूव नेक्स्ट, फिर सी इधर, मैं एक चीज लिख रहा हूं उसको मिटा दूंगा, प्लीज कॉपी मत करना। और एक है ए, ये हमारी बैलेंस शीट है, ये नॉन करंट एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ₹100 का, ये करंट एसेट है, इन्वेंटरी है ₹100 की, रिसीवेबल है ₹50 का, कितने का है? और कैश एंड बैंक जो है वो भी ₹50 का है, टोटल करो। हाँ मैंने अलग कलर से लिखा है, गलत है मुझे पता है, 100 200 300, मेरा टोटल एसेट्स कितने हो गए हमारे 300। जो पूछे उसका जवाब देना, क्या मेरी कैलकुलेशन करेक्ट है? हाँ। इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। वेट करना, वेट लिखना मत, क्या बोलेंगे? आपने आपने मुझसे बोला सर हारिस इनकम स्टेटमेंट दो, मैंने कहा ये ले पकड़ इनकम स्टेटमेंट, मेरी तरफ से दावा क्या है, कैलकुलेशन एक्यूरेट है, कैलकुलेशन क्या है, डन? आप मुझे बोला कि सर हारिस आपकी बैलेंस शीट एक्यूरेट तो है लेकिन क्लासिफिकेशन गलत है, क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। सी का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन। सुनो, अगर ये 50 उठा के मैं इसकी अपनी जगह पे ले आऊं, टोटल में तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर ये सब कुछ, ये सब कुछ करंट एसेट में डाल दिया, नॉन करंट में डाल दिया, टोटल में तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन आप बोलोगे भाईजान आपने एसेट्स की क्लास चेंज कर दी, क्या चेंज कर दिए? क्लास। अब आप सोचे, आपने मुझे बोला सर हारिस बैलेंस शीट दो, क्या दो? मैंने कहा ये लो, चुप, खामोश, साइलेंट, कुछ नहीं कह रहा मैं, अंडरस्टूड है,
कि मैंने सारी फिगर प्रॉपर अकाउंट्स में लगाई है, क्या लगाई है? प्रॉपर अकाउंट्स में लगाई। वो अकाउंटिंग में क्या पढ़ते हैं, अकाउंटिंग में आपके पास कितने हेड्स होते हैं? पांच होते हैं ना मेन हेड्स, जिसको याद रखने के लिए यू कैन मेक अ निमोनिक लाइक क्लियर क्लियर। ये हमारे वो है कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स, रेवेन्यू, ठीक है ना, हमारे मेन हेड्स हैं। और इनके एक अलग अलग सब हेड्स हैं। इन्वेंट्री क्या है? एसेट है, करंट एसेट है। पहले एसेट है, बाद में क्या है? करंट एसेट है। पहले एसेट है, बाद में करंट एसेट है। मैंने इनसे उधार लिया, लाइबिलिटी समर, मैंने इनसे उधार लिया 2 महीने के लिए। लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है। तो क्लास, अब आपने मुझसे बोला सर बैलेंस शीट दो, मैं आपको ये बोलूंगा ये लो बैलेंस शीट गलत लिखा हुआ सब? मैं ये तो नहीं बोलूंगा, मेरी तरफ से क्या इंप्रेशन जा रहा है? एवरीथिंग इज करेक्टली क्लासिफाइड, एवरीथिंग इज करेक्टली कैलकुलेटेड, एवरीथिंग इज कंप्लीट, एवरीथिंग इज करेक्टली। तो तुमको एक एक चीज चेक करनी है, आई बात समझ में? क्या करना है? एक एक चीज चेक करनी है बेटा। मेरी तरफ से तो पूरा CA CA कवर पी, मैं तो यही दावा करूंगा ना सब कुछ सही है, यस और नो। तो मेरा दावा जबानी कलामी थोड़ी बोलूंगा, मेरा दावा तो अंदर बिल्ट इन है, ठीक है? क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है। अच्छा बाय द वे, ये जो अजर्शन है ना, एक्सक्यूज मी, एरो मेन टॉपिक पे आना। अजर्शन आप तक ब्रॉट टू यू बाय आइजा 315। आप बोलोगे सर इसका नाम क्या है? नाम इतना लंबा चौड़ा नाम है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, छोड़ दो। क्या बोलो आयजा? खत्म। नाम वाम हम खुद याद करा देंगे बाद में, छोड़ दे, इधर आ जाए बेटा। आपने मुझसे बोला बैलेंस शीट दो, एक्सक्यूज मी क्या दो? मैंने कह लो बैलेंस शीट, अंडरस्टूड है सब कुछ, टोटल भी एक्यूरेट है, सब अपनी अपनी जगह पे क्लासीफाई हुआ हुआ है, कंप्लीट भी है, एलोकेशन भी सब सही किए, ये सब मेरा क्या है क्लेम? मैं बोल नहीं रहा, अंडरस्टूड है। तो अब आप ये मुझे बताओ, इज माई बैलेंस शीट, आपने बोला सर हरे साहब की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। मैंने क्यों? आपने बोला सर ऑल्दो यू हैव करेक्टली कैलकुलेटेड बट यू हैव मिस क्लासिफाइड द कैश एंड लाइक यू हैव व्हाट? नुकसान क्या है ऐसे ही? अभी मुझे एक छोटी सी बात, क्या नुकसान है? और तो इससे यूजर को क्या फर्क पड़ेगा? देखो ऐसे 300 रुपए की है ना, ऐसे 300 रुपए की है ना, अब मैं कहीं भी लिख दूं कैश एंड बैंक, यार आप पता है ये गलत है तो गलत। पता क्या होगा, आपके सारे रेशियोज हिट हो जाएंगे। क्या हिट हो जाएंगे? रेशियोज, आपके करंट क्विक रेशियो गए। अब करंट रेशियो एक्चुअल में देखा जाए तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अभी तुम्हारे करंट एसेट कितने हैं? 150, जबकि एक्चुअल में कितने हैं? तो आपके करंट रेशियो को है ना, तो यूजर जब पढ़ेगा, जिसने इतना गौर से नहीं देखा, रेशियो रेशियो निकाल के साइडलाइन किया, फारिक किया उसने, तो यूजर तो क्या बोलेगा, यार ये तो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन जबकि अच्छी है। तो इंटरप्रिटेशन, आप लोग के सर ये कैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाई हुई यार, यूजर्स इसको गलत समझेंगे, यस और नो? सो इट शुड बी करेक्टली क्लासिफाइड। तो फिगर्स आर, नहीं नहीं फिगर्स आर करेक्टली क्लासिफाइड बेटा, ये तो फिगर्स आर करेक्टली क्लासिफाइड, ये तो मेरा दावा है ना, चेक कौन करेगा? ये फिगर्स आर करेक्टली व्हाट? क्लासिफाइड। लाइक यार आप लिख सकते हो लाइक CL, लाइक NCL एक्सेट्रा। और एक्यूरेसी, इधर आपने कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड मांगा, यहां तक कि आपने बैंक रिकंसिलिएशन मांगी, मैंने कहा ये लीजिए, क्या मैं ये बोलूंगा ये लो? टोटल गलत है। मेरी तरफ से दावा क्या है? बिकॉज आर मैथमेटिकली व्हाट? एक्यूरेट, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस। जी भाई, व्हाट आर अजम्पशंस? पहले मुझे जरा निमोनिक बताए देख के। नहीं, अजम्पशन वो क्या है, निमोनिक बताए ना। CA, A कवर P, CA C फॉर करंट
कंप्लीटनेस, ए फॉर एलोकेशन, सी फॉर क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी। तो डायरेक्टर्स का कहना है ये है ना। अब क्या है सी का मतलब होता है कट ऑफ, क्या है? नहीं बच्ची, टेल मी व्हाट इज कट ऑफ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डेडलाइन या प्रॉपर डेट कह लो, वो ज्यादा सही। जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल सही, उसने क्या है मिसाल, देखो सिंपल एग्जांपल है, मैं फिर इसको मिटा दूंगा, लिखना लिखना नहीं। अज्यूम कर लो मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2019, ये क्या है ईयर एंड है, ठीक है। मुझे एक कस्टमर का ऑर्डर आता है, मुझे एक कस्टमर का ऑर्डर आया 28 दिसंबर 2019 को, मुझे क्या मिला बताना? और मैंने गुड्स को डिलीवर किया 3 जनवरी 2020 को, कब क्या सेल कब रिकॉर्ड होनी चाहिए? 2019 में या 20 में? क्यों? एक्चुअल आसान लैंग्वेज में कहूं तो जब रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। IFRS 15 पढ़ा होगा, उसकी गाड़ी स्टेटमेंट, व्हेन परफॉर्मिंग ऑब्लिगेशन इज मेट, यस और नो? और वो 3 जनवरी है। गौर से सुने था, मैंने पता क्या किया, मैंने ये रेवेन्यू 2019 में लिख लिया। कहाँ लिख लिया? आप मुझे बोलोगे सर आपने गलत कट ऑफ अप्लाई किया है। क्या क्या है कट ऑफ का मतलब होता है? वो ट्रांजैक्शन जिस पीरियड में हुई है उसी पीरियड में लिखी हुई है, ये मेरा दावा है। आपने मुझसे, आप सुने दर, इसको मिटा रहा हूं। आपने मुझसे पूछा, और सॉरी आपने मुझसे इंक्वायर किया सर आरिज 2019 के रिकॉर्ड कंप्लीट है? मैंने बोला हाँ। ध्यान से सुनना, आपने बोला आरिज भाई 2019 की इनकम स्टेटमेंट दो तो दिखाओ। मैंने ये लो, चुप खामोश, सर कुछ नहीं कह रहा। अंडरस्टूड है कि जो जो फिगर अंदर लिखी है वो सब की सब किससे बिलोंग कर रही है? 18 19 से, 18 की कोई फिगर नहीं है, 20 की कोई फिगर नहीं है। तो मेरी तरफ से दावा यह है कि मैंने कट ऑफ सही अप्लाई किया है। चेक कौन करेगा? सारे कागजात निकलवाओगे, उस पर डेट चेक करोगे, क्या चेक करोगे? तो आप कंफर्म कर लेते हो बेटा। कट ऑफ का मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड जी भाई, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन देयर, व्हाट बताइएगा करेक्ट? ये दावा किसका है? ये मैनेजमेंट का आपके पास दावा है, राइट? हाँ है ना, डन। अब ओ ओ फॉर अकरेंस, जी बेटा ओ फॉर व्हाट? अकरेंस, व्हाट इज अकरेंस? अकरेंस का मतलब ये होता है, अच्छा आपने मुझे बोला भाई इनकम स्टेटमेंट दो, क्या दो? पहले तो अंडरस्टूड है कि जो कुछ अंदर लिखा है वो अपने रिपोर्टिंग ईयर से रिलेटेड है, हाँ है ना। ये सुनो, ये कौन सी असर्शन है भाई? अकरेंस। आपने मुझे बोला सर अरे जरा सेल की ट्रांजेक्शन तो दिखाओ, क्या दिखाओ? मैंने कहा ये लो सेल की ट्रांजेक्शन, ये ले पकड़, झूठी है। क्या मैं ये बोलूंगा? क्या मैं ये बोलूंगा ये फेक एंट्री है? मेरी तरफ से दावा क्या है? सही नहीं है। मेरी तरफ से दावा ये है, ये जो कुछ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है वो एक्चुअली में अकर हुआ है। आपने बोला भाईजान इस महीने की सेल दिखाओ, मैंने दिखाई 10 सेल हुई है। कितनी सेल हुई है? इसका मतलब पता है क्या है? ये सेल हुई है, एक्चुअल है, जेन्युइन है, फेक ट्रांजैक्शन नहीं है। क्या मैं डायरेक्टर ये बोलूंगा ये लो भाई ऑडिटर फेक ट्रांजैक्शन है? मैं, आपने मुझसे क्या बोला इस महीने की सेल्स दिखा दो, मैंने रिकॉर्ड दिया उसे। अंडरस्टूड है, कंप्लीट भी है, मतलब असर्शन सारी अंडरस्टूड है कि ये जितनी सेल मैं आपको दिखा रहा हूं ये हुई है, फेक नहीं है। ये दावा किसका है? चेक कौन करेगा? बस बेहतरीन, अकरेंस में जरा लिखिएगा।
ट्रांजेक्शन विच आर रिकॉर्डेड वर एक्चुअली या जेन्युइनली अकर्ड। क्या लिखा हुआ है? रिकॉर्डेड वर एक्चुअली या जेन्युइनली, नॉट फेक। ये फेक नहीं है, फेक ट्रांजेक्शन नहीं है ये। सुनो, क्या डायरेक्टर ये समझेगा? सॉरी, डायरेक्टर ये बोलेगा फेक है? उसकी तरफ से क्या इंप्रेशन है? आपने जो मुझसे रिकॉर्ड्स मांगे ना, मैंने रिकॉर्ड्स के साथ साथ जो उसके इंप्रेशन साथ साथ जा रहे हैं ना, उस इंप्रेशन क्या है? पोजेशंस। ठीक है, सी ए सी ए कवर पी, सी ए सी ए वॉज डन कवर, कवर में सी फॉर कट ऑफ, ओ फॉर अकरेंस। अब क्या वी आ जाए जी, वी पे का मतलब होता है जी बेटा, वी का मतलब क्या है? वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस का मतलब ये होता है जी, क्या लिखा मैं? जब मैंने क्लोजिंग वैल्यू बोला तो इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट पर इशारा नहीं है, इशारा है बैलेंस शीट के ऊपर। सुनो, एसेट्स, इक्विटी, लाइबिलिटी, ये सब की सब आर एट क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? अप्रोप्रिएट वैल्यू, आर ऑल एट द अप्रोप्रिएट वैल्यू। अब सुने, मुझे जरा कुछ भी वैल्यूज का नाम बताइएगा, कौन कौन सी वैल्यू होती है बैलेंस शीट में? हाँ, वैल्यू का नाम बताओ। कॉस्ट, कॉस्ट वैल्यू होती है, बुक वैल्यू होती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है, पार वैल्यू होती है, फेयर वैल्यू होती है। सर, जो चीज जिस जिस वैल्यू की हकदार है, मैंने सही वैल्यू पे लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? ये मेरा दावा। आपने बोला इन्वेंट्री दो, मैंने इन्वेंट्री के शेड्यूल ले लो। इन्वेंट्री अंडरस्टूड है, कंप्लीट भी है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनर्जी पर ही वैल्यूड है, यस और नो? तो सब चीजें अपनी अपनी एप्रोप्रिएट वैल्यू पर। एग्जाम्पल, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एक्सेट्रा, भाई जो भी वैल्यूज आते हैं वो लिख देना। जी भाई, ई फॉर व्हाट? नो, व्हाट इज एग्जिस्टेंस? एग्जिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज की प्रेजेंस। आपने मुझसे बोला सर वो इन्वेंट्री शीट दिखाना, शीट दिखाई, अंदर लिखा हुआ था 1000 यूनिट्स। क्या है इसका मतलब? वो 1000 यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं इस धरती पे, है कहीं ना कहीं। तो आपने मुझसे पूछा सर कहाँ पढ़े? मैंने कहा रूम नंबर ये 2 में पढ़े हुए। आप गए जाके देख कर आ गए, ये क्या है? एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब जो कुछ है वो एग्जिस्ट करता है। तो सर यहां पर आपके पास क्या है? एसेट्स, इक्विटी, लायबिलिटी, दे डू व्हाट? एग्जिस्ट। ये दावा किसका है? जी लिख लिया। फिर क्या बेटा आपके पास? आर, आर का मतलब है, एक्सक्यूज मी, आर का मतलब है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। बेटा मुझे छोटी सी बात ये बताए, राइट ऑन ऑब्लिगेशन आपके पास आता है राइट ऑन एसेट्स, और ऑब्लिगेशन आती है ऑन लायबिलिटी। बेटा एक छोटा सा पॉइंट ये है,
मैंने एक एसेट लीज पर लिया है, किस पर लिया है, क्या मेरा राइट है या ऑब्लिगेशन है? दोनों है, राइट टू यूज द एसेट, ऑब्लिगेशन टू पे द लीज ऑब्लिगेशन, केस टू। मैंने कोई एसेट ना किराए पर लिया है ना लीज पर लिया है, कुछ भी नहीं, खरीदा है तो मेरा उस पर ऑब्लिगेशन है ही नहीं, पैसे दे दिए, पैसे दे दिए, ऑब्लिगेशन। तो एक तरह से राइट एंड ऑब्लिगेशन जो है ना, ये आपकी ओनरशिप को शो कर रही है, किसको शो कर रही है, ओनरशिप को। तो ये इट्स लाइक अ लाइक ओनरशिप। ठीक है, अब ये क्या आपके पास भाई, राइट टू यूज एसेट, ऑब्लिगेशन टू पे लीज रेंटल। जी डन, कवर। और फिर क्या बना आपके पास, पी फॉर प्रेजेंटेशन, इसे प्रेजेंटेशन कहते हैं, लेआउट यानी कि फॉर्मेट को। मुझे भाव बताओ, अच्छा नोट करके यहाँ पर लिखेंगे अभी। अगर मैं इनकम स्टेटमेंट में ऐसे ही फर्जी इनकम स्टेटमेंट में लिखूं, उधर देखिएगा, इनकम स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है COGS 15 रुपए, नीचे लिखी है सेल 25 रुपए, नीचे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 10 रुपए, क्या इनकम स्टेटमेंट सही है या गलत है? नहीं, ये तो नहीं बोलो यार, ये नहीं बोलो यार इनकम स्टेटमेंट सही नहीं है भाई। आप कह रहे हो मान लो सर ये जो कुछ लिखा है ये अकर भी हुआ है, वो तमाम चीजें है, सारी रजेशन है, लेकिन इसका क्या गलत है, फॉर्मेट गलत है भाई, इसकी प्रेजेंटेशन गलत है। IS 1 क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आया ना, मैं आपको और मिसाल दू, वो लिख नहीं रहा वर्बली मिसाल से, फॉर्मेट लेआउट। मैंने इनसे 100 रुपये लेने, कितने रुपये लेने, और मैंने इनको 80 रुपए देने भी है, 80 रुपए। एक्चुअली में पता है क्या होगा, एक्चुअली में ये नहीं होगा ला तू 100 दे फिर मैं तुझे 80 देता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में मैं आपको बोलूंगा देख 100 रुपए मैंने तुमसे लेने हैं, 80 देने भी हैं, वो पैसा काट के 20 मुझे दे दे, यही होगा। अकाउंटिंग इसको नहीं मानती ना, अकाउंटिंग बोलती है रिसीवेबल अलग शो करो। अच्छा अगर मैं अपनी बुक्स में 20 रुपए का एसेट रिकॉर्ड कर लूं, प्रिंसिपली तो बात सही है ना, लेकिन IS 1 कहता है प्रेजेंटेड सेपरेटली, प्रेजेंटेड। अब बेटा इसका पता है इसके पीछे लॉजिक क्या है, रेशो भी खराब हो जाएंगे, प्लस यूजर को लगेगा इस कंपनी के ऊपर तो कोई लाइबिलिटी ही नहीं है, एसेट ही एसेट है, कैसे सुनो, बहुत अजीब सी बात हो जाएगी। और आपके डेफिनेटली रेशोज भी खराब होंगे, और रेशो की वजह से आपका शेयर होल्डर्स का इकोनॉमिकल डिसीशन भी खराब हो सकता है, यस और नो, दैट्स ऑल। अब आ जाए नोट, तीन चीजें ना, तीन चीजें एक साथ लिखी जाती हैं, कितनी चीजें, इन असम्पशंस में से एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड जैसे हम कहते हैं ना, एक्सक्यूज मी, तालीमो तरबियत, दो अलग अलग चीज है। इधर सुने, एक्यूरेसी वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, इसको इकट्ठा लिखना है। व्हाट इज एक्यूरेसी, ये कहते हैं टोटल को, इसको कहते हैं व्हाट इज वैल्यूएशन, एंडिंग एंडिंग वैल्यू, कौन सी वैल्यू है, व्हाट इज एलोकेशन क्या है, मुझे बताओ क्या आप लोग अलाउंसेस को एडजस्ट करते हो, अलाउंस को,
रिसीवेबल्स। क्यों? एस्टिमेशन है, या मैंने 100 रुपए की सेल की है, पहले बोलूंगा 3 रुपए तो भूल जाओ, कितने मिल जाएंगे? तो ये क्या क्या एडजस्टमेंट ही तो की है। क्या किया रिकॉर्ड्स में? एडजस्टमेंट्स। सर मिसाल इधर लो, कॉस्ट है 100 रुपये, डेप्रिसिएशन है हमारी 20 रुपये, 80 रुपये का क्या है? इधर सुनो, ये डेप्रिसिएशन को इधर एडजस्ट करना, ये क्या जी? एलोके, ये लिखा ब्रैकेट में एलोकेशन, 100 में से 20 माइनस करना, 100 में से 20 के 80 बचा, ये क्या है बेटा आपके पास? एक्यूरेसी। और ये जो 80 है ये क्या है? वैल्यूएशन। कॉपी करें जरा जल्दी से। ये सारा का सारा क्लेम या दावा कौन कर रहा है? आपने मुझसे इंफॉर्मेशन मांगी, मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, तो जब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो साथ साथ उसकी असर्शन भी जा रही है। सुन लो, एक्सक्यूज मी, सही है? इज इट डन? अब अपने पास रजिस्टर पे ही एक हेडिंग लिखिएगा इस तरह, जर्मान में अजर्शन कुछ अजर्शन होती हैं इसकी, एक्सक्यूज मी, कुछ अजर्शन किसकी होती है? अकाउंट बैलेंस मतलब बैलेंस शीट, कुछ होती है ट्रांजैक्शंस की। मेरा मतलब है क्या? इनकम स्टेटमेंट। इधर एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, इधर यहां देखिएगा, निमोनिक बताया सेशन जल्दी से, CA, सही है? इधर सुने, इधर एक्सक्यूज मी, कुछ अजर्शंस इनकम स्टेटमेंट को हिट करती है डायरेक्ट, बैलेंस शीट से उसका ताल्लुक, कुछ अजर्शन बैलेंस शीट की है, कुछ दोनों में आती है। कुछ किस में आती है भाई? दोनों में। आई डू रिपीट भाई, कुछ अजर्शंस जो है, सुने, कुछ अजर्शंस जो है वो आपको किसको अफेक्ट करेगी बताइएगा? बैलेंस शीट को। कुछ अजर्शंस किसको अफेक्ट करेगी? इनकम स्टेटमेंट। और कुछ अजर्शंस दोनों को अफेक्ट करेगी, ठीक है? कुछ असर्शंस दोनों को। अब एक एक करके उसको समझना है कि क्या है। पहले आप बच्चे मुझे बात बताइएगा, पहला सी क्या है भाई, कहां पर आना चाहिए? क्यों? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट भी कंप्लीट है और दोनों कंप्लीट है, ठीक है? चले जी, सबसे पहला पॉइंट कंप्लीटनेस। एक्सक्यूज मी, इधर 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 इधर, सी फॉर व्हाट? कंप्लीटनेस। कहां पर आएगा? दोनों में। फिर क्या है? ए फॉर, चेक करो क्या लिखा हुआ है, कहां पर आएगा? सिर्फ बैलेंस शीट में। गुड, उसकी वजह है क्यों? एस्टीमेशंस एडजस्टमेंट सब कहां पर होती है? एक काम करो, सुनो,
एक काम, सबर 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 सबर, एक मिनट, एलोकेशन का जरा मुझे पूरा मतलब बताओ क्या है। हाँ जो लिखा है आपने, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू रीच एट अ बुक वैल्यू, इसका मतलब वैल्यू बैलेंस शीट। तो एक काम ये करो, बैलेंस शीट में ना आप इन तीनों को इकट्ठा लिखो, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन और क्या, एलोकेशन। आया ना? अब इधर आ जाओ, सी, अगला सी चेक करो क्या बेटा, कहां पर आएगा दोनों। अच्छा एक मिनट, है इधर एक्यूरेसी भी दोनों में आता है बेटा, एक्सक्यूज मी, एक्यूरेसी भी दोनों में आएगा, ये वैल्यूएशन और एलोकेशन कहां पर आएगी, बैलेंस शीट में। एक्यूरेसी यार, इनकम स्टेटमेंट भी तो एक्यूरेट होता है ना, सेल माइनस और ये तमाम चीजें। अच्छा ये तो हो गया सी ए सी ए, अगला क्या था आपके पास, सॉरी एक सी बाकी है ना आपके पास, कहां जाता है, दोनों में, दोनों में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों में, कैसे एक्सप्लेन। इधर मैंने इनसे पैसे लेने या देने, एक्सक्यूज मी, 3 महीने में पैसे देने वापस, क्या ये करंट या नॉन करंट, ये तो क्या बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में भी क्लासिफिकेशन होती है, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, अगर उसको गलती से उठाकर मैंने एक्सपेंसेस में डाल दिया, नेट प्रॉफिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जीपीएनपी में फर्क पड़ेगा। आप मुझे बोलोगे भाईजान यू हैव मिसक्लासिफाइड द कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है क्या है, और मैंने उठा के सीओजीएस में डाल दिया, मिसक्लासिफिकेशन। पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, व्हाट इज दिस इनकम। हमारा काम यह है कि ये माइक बेचना, ये काम है, ये बेचकर जो पैसा आ रहा है वो ट्रेडिंग इनकम है क्या है, वो मशीन सही नहीं चल रही, बेच दिया, लकीली 50 का प्रॉफिट हो गया उस पर, सॉरी प्रॉफिट नहीं कहते, गेन कहते, गेन ऑन डिस्पोजल। ये मेरी इनकम नहीं है, अदर इनकम है, इसको अलग लिखना होता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी इनकम स्टेटमेंट में भी जाएगी और बैलेंस शीट में भी जाएगी। ठीक है भाई, हाँ या ना, ऑडिटर्स जाग रहे हो ना, हाँ या ना, वो जबरदस्त, ऑडिटर को जागते रहना चाहिए। हाँ जी ओके, फिर क्या भाई आपके पास सीएसई हो गया, आपके कवर। एक बात याद रखो, सुनो, इधर 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 इधर, एक्सक्यूज मी, सी और ओ को अलग से मैं स्टार लगा रहा हूं, असल झगड़ा ही सी और ओ का है। सी और ओ, सी मीन्स अकरेंस, अकरेंस ओ, ठीक है। अब मुझे छोटी सी बात बताओ, कट ऑफ एन अकरेंस मतलब बताइएगा, अकरेंस का मतलब क्या है। एक छोटा सा सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकरेंस एंड एग्जिस्टेंस। आप लोग इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है ना, मेरी भी नहीं यार, बैठो बात ही करें। अच्छा अकरेंस और एग्जिस्टेंस में फर्क क्या है, नहीं नहीं आसान लफ्ज में बताए क्या बोला आपने, नहीं टाइम पीरियड नहीं, वो भी सही है फिजिकल। अकरेंस और एग्जिस्टेंस में फर्क पता है क्या है, आप ये समझो कि जो एग्जिस्टेंस है ना, दैट इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ अकरेंस। मिसाल एक एंट्री, सिंपल सी एंट्री है, सेल की है मैंने क्रेडिट पे, सेल किस पे की है? एंट्री बनी है रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, आया ना। इन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, मैं ये नहीं बोलूंगा रिसीवेबल हुई है, सुनते ही कितना अजीब लग रहा है, मैं क्या बोलूंगा, सेल हुई है, एग्जिस्ट करता है, रिसीवेबल एग्जिस्ट करता है। गौर से सुनना, एक्सक्यूज मी, रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, यस और नो, रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट, सेल हुई है, सेल अकर हुई है, इसके रिएक्शन में रिसीवेबल एग्जिस्ट करता है, रिसीवेबल एग्जिस्ट करता है। अब सुनो, रिसीवेबल किधर जाता है, बैलेंस शीट में, सेल कहां जाती है, इसका मतलब जो अकरेंस है ना वो इनकम स्टेटमेंट की आइटम है,
और एग्जिस्टेंस बैलेंस शीट की आइटम है। वेट करना, वेट वेट, देखो वी ई आर, एक्सक्यूज मी, ये क्या लिखा है? वी मतलब ऑलरेडी लिख चुके हैं बैलेंस शीट में। ई सेल एग्जिस्ट नहीं होती है, सेल तो अकर होती है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ई का मतलब क्या है? एसेट इक्विटी लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बैलेंस शीट में गई। आर क्या है? एक मिनट एक मिनट, राइट बस इतना आसान है, आपको यार ये लिस्ट याद कर लो, समझ के याद करोगे ना इजीली हो जाएगा। आर राइट ऑन ऑब्लिगेशन, बैलेंस शीट। राइट ऑन एसेट, दोनों बैलेंस शीट में खत्म। इसका मतलब जो सी और ओ है ना, ये गौर से सुनना, कट ऑफ। अच्छा कट ऑफ की वो बताना जरा, क्या मतलब है कट ऑफ का? जो ट्रांजैक्शन जिस पीरियड में हुई है, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन, एंडिंग बैलेंस नहीं, क्या पूछे? ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन किसको रिफ्लेक्ट करता है, तो इसका मतलब कट ऑफ और अकरेंस इनकम स्टेटमेंट में है। वी बेटा यहां पर मैं लिख चुका हूं, एग्जिस्टेंस इधर आ जाएगा, और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट एंड व्हाट ऑब्लिगेशन, यहां पे आ गई। डन हो गया, कवर हो गया, अब क्या बचा? कहां जाएगा? क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन इनकम स्टेटमेंट की भी प्रेजेंटेशन है, बैलेंस शीट की भी है भाई, ये दोनों में चले जाएंगे। जी एक मिनट आपका सवाल लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन जी बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं? अगर अगर वैल्यू आपने सही नहीं लिखी तो फिर वो वैल्यूएशन है। रिसीवेबल को लिखना, रिसीवेबल के आगे जो भी लिखा 50,000, वो रिसीवेबल की वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाएगी? वैल्यू। जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है मैंने 100 रुपए की सेल की है, उसने 2 दिन बाद मुझे 20 रुपए दे दिए, 80 रुपए रिसीवेबल है, लेकिन सेल ओरिजिनल 100 रुपए की है। सेल है, रिफ्लेक्ट करता है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है। रिसीवेबल इज एन एंडिंग बैलेंस, हो सकता है कुछ पैसे दे दिए, कुछ बाकी है। फिर तो रिसीवेबल के लिए आप ये लफ्ज नहीं बोलोगे, रिसीवेबल के लिए लफ्ज क्या बोलोगे? वैल्यूएशंस, मतलब एंडिंग वैल्यू। अच्छा रुके, एक्सक्यूज मी, अब एक छोटी सी चीज है, उसके बाद फिर ऑफ करते हैं, कोई क्लास तो नहीं है ना? इज इट डन? इज इट डन? नहीं, छोटी सी चीज है, 5 मिनट। इज इट डन? जबरदस्त। अच्छा यार, ये टॉपिक तो आपके पास हो गया फिनिश। अब सुनो, अब आपके पास मैं 2 कॉलम्स बना रहा हूं, सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए, और मैं इस तरीके से बोलूंगा कि फाइनल आंसर आप ही मुझे दोगे और सही दोगे। ये 2 कॉलम ऐसे बनाइएगा अगले सफे पे, ऐसे ही समझाने के लिए। आपको पता है दरअसल जो अजर्शंस है ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ही अजर्शंस होती हैं। ठीक है अब्दुल कयूम, 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको, सीएसीए वाला पेज। ओके ये लो जरा जल्दी से देख लो अब्दुल कयूम। एक मिनट, अकरेंस देखना। हाँ 1 मिनट, अब्दुल कयूम जरा मुझे बता देना आप, ये हो गया तो। नेक्स्ट वाला ये लो, ओके वेलकम, आपने लिख लिया, हो गया ये? चले जी अब इधर आ जाओ, एक्सक्यूज मी, ये आखिरी चीज है, एक दो मिसाल इसकी लो, उसके बाद खत्म। सुने, दरअसल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ही अजर्शन होती है। मैंने, एक्सक्यूज मी, आप मुझे बताएंगे, एक स्टैंडर्ड है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, एक स्टैंडर्ड है IS 2। वो कहता है कि भाई जो भी तेरा माल है ना इन्वेंट्री, उसको कहाँ पे लेकर जाओ?
लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, कौन सी असर्शन है? वैल्यूएशन बेहतरीन। हाँ ये इसमें खुद लिखा है, इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड नहीं, इन्वेंट्री इज वैल्यूड है। तो कौन सी असर्शन हो गई भाई इसमें? वैल्यूएशन। हाँ है ना, एक और मिसाल लो, एग्जाम्पल नंबर टू। IS-38 कहता है रिसर्च को एक्सपेंस करो, डेवलपमेंट को कैपिटल। असर्शन बताओ। गुड क्लासिफिकेशन। आया ना, समझ आ गई बात। IFRS 15 वर्बली सुन लो, IFRS 15 कहता है सेल्स शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन, व्हेन जब रिकॉर्ड होगी, जब सामान पहुंच जाएगा, यानी कि तुम्हारी परफॉर्मिंग कट ऑफ कौन सी है? नर्सरी। अब एक चीज बस मैं आपको दिखा दूं, देन उसके बाद हम ऑफ करते हैं। जब आप चैप्टर नंबर 3 ओपन करेंगे ना, चैप्टर नंबर 3 देखो, हमने जो भी जो कुछ लिखा है समझने के लिहाज से नॉर्मल अंग्रेजी में लिखा है। इधर सुने, आपने आना है चैप्टर नंबर 3 में। एक्सक्यूज मी, आपने कहाँ पर आना जी? चैप्टर नंबर 3 में। और चैप्टर नंबर 3 में आप चेक करो, ये देखिए चैप्टर नंबर 3 को जब आप ओपन करोगे ना, तो ये आपके पास मिल जाएगी अजर्शंस। क्या मिल जाएगी? ब्रॉट टू यू बाय, ये आइजा की डेफिनेशन है। हाँ या ना, और फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े, ये क्या लिखा है? अजर्शन अबाउट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, यानी कि इनकम स्टेटमेंट, और ये अजर्शन की ऑफिशियल डेफिनेशन है। जैसे कट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब ये आइजा की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अकरेंस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट हैव बीन रिकॉर्डेड और डिस्क्लोज हैव अकर्ड एंड रिलेट टू द, हमने तो ये लिखा था ना भाई, जुगाड़ नहीं मारा है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन है ये। सुनो, नॉट फेक, बट यू हैव टू रीड द ऑफिशियल डेफिनेशन। ठीक है, आपको काम बता रहा हूँ करना क्या है, बिजनेस ढूंढ लेना आगे पीछे इसमें कहीं होगा। ये आ गया समरी, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। ये आया ना, ये दो सफ़े, ये आप बस ने आपने इसको पढ़ना अच्छे तरीके से, इसकी डेफिनेशन वाइज। ठीक है, चैप्टर 3। हाँ ये पता है, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आ सकती है, सीरियस बोल रहा हूँ, आ सकती है। इट कैन बी एग्जामिन्ड लाइक फॉर 3 to 4 मार्क्स, एक्सप्लेन द अजम्पशंस रिलेटेड टू अकाउंट बैलेंस, सब उठा के लिख देना है। बट आई एनकरेज के फिलहाल अभी रटा मारने की जरूरत नहीं है, इसको समझ के 2-3 बार पढ़ लो याद हो जाएगा। ठीक है, रटा मारने की जरूरत नहीं, मैं ये नहीं समझता। बाकी कुछ नहीं कह सकते कि क्या चीज नॉलेज बेस में आ जाए या क्या सिनेरियो में आ जाए। नहीं, वही मैंने बोला कि बिल्कुल एग्जैक्टली तो याद नहीं करना है। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज।